कल हमने एसएससी सीपीओ के पेपर फर्स्ट के बारे में बात की थी, उसमें रीजनिंग और इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात की थी। तो अगर आपने वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी भी फ्रेंड ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जीके और मैथ की, उन टॉपिक्स के बारे में जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मैथ के उन टॉपिक्स के बारे में जिसको आप पढ़ के इजीली 45 प्लस मार्क्स से ला सकते हैं। फ्रेंड्स, संख्या पद्धति आती है 3 नंबर की, घातांक घात एवं फलनीय आता है 1 का, औसत 1 नंबर, प्रतिशत 4 नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस 2 मार्क्स, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 मार्क्स, टाइम एंड वर्क 2 मार्क्स, टाइम एंड डिस्टेंस 2 मार्क्स, एल्जेब्रा 5 मार्क्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स की है, ज्योमेट्री 7 मार्क्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सब एडवांस मैथ में आता है, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री एडवांस मैथ में काउंट की जाती है। अभी आप देख रहे हैं मेंसुरेशन 5 मार्क्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी टॉपिक है, पाई चार्ट एंड बाय डायग्राम 10 मार्क्स का था, बहुत ईजी है ये, 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले, बहुत ईजी, अगर आपने कैलकुलेशन इसमें ठीक कर दी तो ये 10 मार्क्स तो आप इजीली ग्रैप कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये मैथ के टॉपिक्स थे, अब हम देखते हैं जनरल नॉलेज यानी जीके के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ के बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फ्रेंड, जनरल साइंस जो जीके का पोर्शन है वो काफी 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, जनरल साइंस, जीके और करंट अफेयर, जिसमें जीएस जनरल साइंस वो 15 मार्क्स की आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स, 50 में से 15 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर 10 मार्क्स आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री 9 मार्क्स की आती है, पॉलिटिकल साइंस 5 मार्क्स की आती है, इकोनॉमी की 3 की आती है, ज्योग्राफी 3 मार्क्स की आती है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है वो 5 नंबर का आता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आप इजिली अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो सारे टॉपिक्स थे जिनमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। आपने मैथ के अलग से देख लिए होंगे और जीके के अलग से देख लिए होंगे। मैथ में फ्रेंड्स जो एडवांस का पोर्शन है वो काफी इम्पोर्टेंट है कि एडवांस में से बहुत सारे नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ ही में जो हमारा पाई चार्ट और बार डायग्राम है वो भी अकेला 10 नंबर का था, तो ये दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इन पे ज्यादा फोकस करें। और जीके में आपने देखा होगा कि साइंस का पोर्शन है और करंट अफेयर का पोर्शन ही काफी पोर्शन, मतलब काफी हिस्सा उसका ले रहा है, गेन करता है, तो इस वीक पर भी आपको काफी फोकस करना है। तो ये वो सारे थे जिनमें से पर्टिकुलर क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, और जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो कुछ छूट गए, कभी कभी उनमें से भी 1-2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, इनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए जाते हैं और उनमें से पूछ लिए जाते हो, तो इनको तो आप स्मार्ट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्हीं में से पूछे जाते हैं, और जो बाकी उनके एक बार गो थ्रू हो जाए, उनके बेसिक्स पढ़ लें, तो अगर बाय द वे एग्जाम में आ जाते हैं तो आप उनको भी इजीली सोल्व कर दोगे और आपके अब मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हम ये नहीं कहते कि 50 में से 50 आ जाएंगे, क्योंकि कुछ नेगेटिव बाय द वे हमसे गलत भी हो जाते हैं, तो आप इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करें तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं सोच रही हूँ कि ये जो टॉपिक है इसको इनके बारे में आपको डिटेल से भी बताऊंगी अगर मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मुझे मैनेज करना पड़ रहा है, मेरी बेबी साथ में है तो उसके साथ रहते हुए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको डिटेल से भी इनके बारे में बता दूंगी, और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये तो टॉपिक्स थे, और एक टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी है कि कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। मैं आपको बुकलेट्स के बारे में बताऊंगी, आपको कौन कौन सी बुकलेट्स फॉलो करनी है, कई बार क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमें एक ही बुक खरीदनी चाहिए जो कि बहुत अच्छी बुक है, उस बुक को खरीदो और उसी बुक को 3-4 टाइम पढ़ लेते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है इतनी सारी बुक्स खरीदने से अच्छा। तो नेक्स्ट वीडियो बुकलेट से रिलेटेड आने वाली है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सभी से मेरी नम्र निवेदन है कि बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।